नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा घोटाला सामने आया है। धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे एक निजी मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करने की तैयारी भूपेश बघेल सरकार कर रही है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने भूपेश बघेल को टिकाऊ और बिकाऊ का अंतर समझाया है। तो कांग्रेस पार्टी जो मोदी सरकार पर हर रोज तमाम आरोप बढ़ती नजर आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। अब एक ऐसे मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें सबसे खास बात यह है कि ये मेडिकल कॉलेज जिस परिवार का है, उस परिवार में भूपेश बघेल की बेटी की शादी हुई है। यानी भूपेश बघेल अपने दामाद के इस निजी महाविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अधिग्रहण के लिए एक विधायक पर भी लगातार काम वहां चल रहा है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने टिकाऊ और बिकाऊ का फर्क समझाया है। सिंधिया का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बेचने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में है। प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये आरोप लगाए गए थे। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है, इसकी परिभाषा अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। आपको ये बता दें कि दरअसल हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार उन्हें सौंपा गया है। लेकिन तब भूपेश बघेल का एक ट्वीट सामने आया था। उन्होंने एयर इंडिया को बेचने की सरकार की योजना का हवाला देते हुए सिंधिया पर निशाना साधा, उन्हें बिकाऊ कहा था। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस ट्वीट के जरिए भूपेश बघेल पर पलटवार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिस मेडिकल कॉलेज पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, जो पहले ही आरोपों में घिरा हुआ है, अब उसे अपने अंतर्गत लेने की तैयारी जो है वो कांग्रेस शासित राज्य में भूपेश बघेल कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अब सवालों में घिर चुकी है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का इतिहास अपार, डूबे रहते कांग्रेसी परिवार, कर्ज में डूबे कॉलेज का अधिग्रहण कर जनता के पैसे का दुरुपयोग करना सरासर धोखा है। ये पीयूष गोयल की ओर से कहा गया है। उन्होंने साथ ही लिखा है कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के लिए नहीं बल्कि राज्य के विकास के लिए है। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस पार्टी ऐसा शासन कर रही है कि वहां इस तरीके से जनता की कमाई को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। भूपेश बघेल को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल ने दामाद के परिजन के निजी कॉलेज के अधिग्रहण के लिए कानून का प्रस्ताव रखा, जानकारी साफ तौर पर उनकी ओर से दी जा रही है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी थी और उसके बाद बीजेपी के नेताओं के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ गए। लगातार बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट कर उन पर निशाना साध रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि जिस मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करने की तैयारी कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कर रहे हैं, दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ये चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज है। और आपको ये बता दें कि चंदूलाल चंद्राकर पुराने कांग्रेसी नेता थे और दुर्ग से वो 5 बार सांसद रहे थे। 1995 में उनकी मौत के बाद 2 साल बाद इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। दरअसल चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का कुल बकाया कर्ज 125 करोड़ रुपए है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा असुरक्षित है। जिस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर मेडिकल
काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 अप्रैल 2018 को अपनी बैठक में धोखाधड़ी गतिविधियों का आरोप लगाया था। और इतना ही नहीं, कॉलेज को 2017 से मान्यता भी नहीं मिली है, मान्यता रद्द कर दी गई थी। तो ये तमाम आरोप है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि ये भूपेश बघेल के रिश्तेदारों का कॉलेज है, एक निजी कॉलेज है, और उन्होंने ये मांग उनकी तरफ से की गई थी कि दरअसल जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो इस कॉलेज को अधिग्रहण कर ले, ये अनुरोध उनकी तरफ से किया गया था। जिसके बाद अब इस तरीके से विधेयक लाने की तैयारी भूपेश बघेल सरकार कर रही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब इस कॉलेज को अधिग्रहण करने की तैयारी कर चुके हैं। मसौदा विधेयक तैयार हो चुका है, जिसमें सरकार ने यह कहा है कि तत्काल अधिग्रहण जनहित में जरूरी है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार, एक बड़ा घोटाला कांग्रेस पार्टी की सरकार में हो रहा है, कांग्रेस शासित राज्य में हो रहा है। और आपको ये बता दें कि दरअसल जो लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो है, ये उनके दामाद का एक निजी मेडिकल कॉलेज है। आपको ये बता दें कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी दिव्या बघेल, उनकी जो शादी है वो क्षितिज चंद्राकर से हुई थी। और आपको बता दें, उनके पिता विजय चंद्राकर, चंदुलाल चंद्राकर के जो डायरेक्टर हैं, मंगल प्रसाद चंद्राकर के छोटे भाई हैं। यानी इस तरीके से ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के जो रिश्तेदार हैं उनसे जुड़ता है। उनका ये निजी मेडिकल कॉलेज है, जिसे अधिग्रहण करने की तैयारी अब ये कांग्रेस शासित राज्य में की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ सरकार को, मोदी सरकार पर तमाम बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए चाहते हैं, फिर चाहे वो कृषि कानूनों के दौरान हो, जिस तरीके से नए कृषि कानून लाए गए उसमें तमाम आरोप मढ़े गए कि दरअसल देश को बेचने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, तमाम तरीके से तमाम आरोप मढ़े जाते हैं। लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्यों की सच्चाई क्या है, वहां कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, ये लगातार पोल खुल रही है। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा पंजाब हो या राजस्थान हो, वहां भी लगभग इस तरीके की तस्वीरें ही निकलकर सामने आ रही है। जो तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता मोदी सरकार पर लगाते हैं कि दरअसल उद्योगपतियों को देश बेचने की तैयारी हो रही है, लेकिन उन्हीं उद्योगपतियों को अपने राज्यों में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट सौंपे जाते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी की सच्चाई कि किस तरीके से सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरीके से तमाम आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े जाते हैं, लेकिन उनके शासित राज्यों में क्या हकीकत है, ये लगातार सामने आ रहा है। एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं, 125 करोड़ का कर्ज उस मेडिकल कॉलेज पर है, लेकिन उसे अपने अंतर्गत लेने की तैयारी जो कांग्रेस शासित राज्यों में की जा रही है, जाहिर तौर पर यह सबसे बड़ा घोटाला है कांग्रेस पार्टी का, जो एक सामने आया है। लेकिन पंजाब और राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बहुमत में सत्ता है, लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी को अब कलह का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस देव सिंह, उन्होंने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। उनकी नाराजगी छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर सामने आई। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जांच का आदेश नहीं देती है या बयान जारी नहीं करती है, तब तक वो सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। दरअसल आपको बता दें, उन्हीं की पार्टी के, यानी कांग्रेस पार्टी के ही एक विधायक बृहस्पति सिंह ने उन पर हमले का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनकी ये नाराजगी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंह देव, जिन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो ये अब पंजाब और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां सरकार के खिलाफ भी उन्हीं के विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। एक तरफ पंजाब में लगातार जो अंदरूनी कलह है पार्टी में, वो चल रही है। राजस्थान में सचिन पायलट लगातार गहलोत सरकार से नाराज हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से अलग होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद अब छत्तीसगढ़, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां भी अब कहीं ना कहीं ये जो कलह है, ये आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए संकट बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से वहां स्वास्थ्य मंत्री ही सदन से वॉक
वॉकआउट करती है और उन्होंने जाहिर तौर पर सरकार से जवाब मांगा है कि जब तक सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी तब तक वो सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश में लगातार धराशायी हो रही है, जनता पसंद नहीं कर रही है क्योंकि लगातार झूठ की राजनीति की जा रही है, भ्रष्टाचार खुद करती है, लेकिन आरोप सरकार पर, केंद्र सरकार पर मढ़े जाते हैं। और किस तरीके से खोखली राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही वजह है कि लगातार कहीं ना कहीं देश की जनता उन्हें जवाब भी दे रही है। और बात अगर छत्तीसगढ़ की है तो ये एक बड़ा और एक नया मामला जो छत्तीसगढ़ में सामने आया है साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से जनता के टैक्सपेयर की जो पैसा है उसे भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं झोंकने की कोशिश जो है वो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है, जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा से मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।